दोस्तों, आप जो ये अखरोट देख रहे हो, आपके सामने जो ये अखरोट हैं, इन अखरोट के बारे में कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है, मैं सभी को बताती हूँ, अपने इंस्टाग्राम पर भी और वीडियो में बताया हुआ है कि मैं कश्मीर में आए हुए हैं हम एक महीने के लिए। अभी हमारे हैं 10-15 दिन और है अभी हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर होटल के सामने, होटल के पास में ही बिल्कुल जो बाहर गार्डन है वहां पर ना अखरोट का पेड़ खड़ा है। तो अखरोट के पेड़ पर से बिल्कुल ताजे, समझ गए, मैंने अखरोट तुड़वाए। ये वाले जो अखरोट आप देख रहे हो, ये अखरोट के पेड़ पे से, जो हमारा ये होटल का जो ओनर है उससे, उसने हमें दोस्तों, यानी कि ये अखरोट बिल्कुल अखरोट के पेड़ पे से तोड़ के 2 किलो अखरोट उन्होंने हमें 250 रूपये किलो अखरोट दिए दोस्तों, ये वाले अखरोट। और यानी कि 500 रूपये के 2 किलो अखरोट दिए दोस्तों उन्होंने हमें। मेरा एक्सपीरियंस ये है इसके बारे में कि दोस्तों, जैसे हमने ये खाए ना अखरोट तोड़ के, एक तो ये टूट भी इजिली जाते हैं, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे की जो वो किनार होती है उस पर अखरोट रखो और दरवाजे को ऐसे भेड़ दो, ठीक है, फटाफट टूट जाता है। हम ऐसे ही तोड़ते हैं वहां पे, यहाँ पे। तो दोस्तों, यानी के ये लगा लो कि वो जो हम हमारे दिल्ली में जो अखरोट खाते हैं दोस्तों, वो और इनमें इतना धरती आसमान का फर्क है। इनमें वो कलकत्तापन नहीं है बिल्कुल भी इन अखरोट में, और खाने में ये एकदम से, मतलब कि बहुत ये दिल करता है कि चलो खाओ जा खाओ जा। और जो उनसे हम दिल्ली में अखरोट खाते हैं, उनसे हम एकदम से मुंह एकदम, मतलब कि एक अखरोट खाएंगे और हमारा दिल नहीं करेगा खाने के लिए, क्योंकि वो इतने टेस्टी, और वो इतना उनमें वो वाली बात पता नहीं, समझ में नहीं आया कि क्या फर्क है। या तो फ्रेश ताजे पेड़ पर से तोड़े और फ्रेश है यहाँ के अखरोट, ना कोई कलकत्तापन है, ना कोई इसमें कुछ अजीब सा वो है, एकदम फ्रेश है और बड़ा ही अच्छा टेस्ट है, और ना कोई, मतलब ये बहुत अच्छे लग रहे हैं अखरोट खाने में, समझ गए। दूसरी बात दोस्तों, ये तो एक्सपीरियंस हो गया मेरा, और मेरा ये भी बता रही मैं आपको कि दिल्ली में तो देखो, आपको बताइए, हम तो गिरी मिलती है दिल्ली में, तो दिल्ली में गिरी 1200 रूपये 1400 रूपये है ना, ये इन्होंने हमें 250 रूपये दिए। हमने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, इन्होंने बोला 250 था, तो 250 रूपये किलो ही इन्होंने हमें दिए। मैंने 2 किलो लिए थे, और ये बेचते रहते हैं सबको, क्योंकि कई सारे पेड़ हैं, मैंने देखे यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं जो ये बहुत सारे उतारते हैं, लिधे पड़े हैं अखरोट के, अखरोट से पेड़, समझ के, जो इन्होंने उतारे करे, हम कई एक महीने पहले से हम उतारते रहते हैं, इस पर से उतार लेते हैं, हर जो कोई मांगता है दे देते हैं, वरना हम खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यानी कि रेट में भी कितना फर्क है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत चीजें ऐसी यहाँ पर जो दिल्ली से भी ज्यादा महंगी है, समझ गए। ये नहीं कि सारी चीजें यहाँ पे सस्ती हैं, कम से कम यानी कि ये लगा लो कि 90% चीजें यहाँ पे महंगी है दिल्ली से ज्यादा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे खाली अखरोट ही ज्यादा यहाँ पे सही लगे, बाकी हर चीजें मुझे यहाँ महंगी लगती है, समझ गए। तो ये एक्सपीरियंस रहा। दूसरा एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो ये है, कुछ सालों पहले अखरोट को कोई तवज्जो नहीं देता था, वो वाली बात नहीं थी अखरोट में, अखरोट को कोई इस बात से नहीं जानता था कि ये दिमाग तेज करते हैं या जो भी है। यानी कि जब से, आपने सभी जानते होंगे, सुना होगा, ये रामदेव बाबा जो है, इसने जब से अखरोट का एडवर्टाइज करा, जब से इसने ये बोला कि अखरोट की बनावट देखो बिल्कुल दिमाग के जैसी है, अखरोट की बनावट है ना, इसलिए ये अखरोट जो है दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग को तेज करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अखरोट 10-15 साल पहले अखरोट बादाम से सस्ता हुआ करता था, और अखरोट को कोई पूछता भी नहीं था, है ना। तो ये बाबा रामदेव ने जब से बोला ऐसा, ये ने जो ऐड करी है, जो भी कुछ इसने ये बोला बाबा रामदेव की वजह से, इसने ये बोला कि इसकी जो बनावट है वो दिमाग के जैसी है, ये दिमाग को तेज करते हैं। अखरोट के भाव दोस्तों एकदम आसमान छूने लगे, यानी कि हर चीज से ज्यादा महंगा आज अखरोट है, ड्राई फ्रूट में हर ड्राई फ्रूट से महंगा अखरोट है। पहले बादाम महंगे हुआ करते थे, है ना, अब बादाम इनसे सस्ते हैं, है ना। और पहले बादाम को ही दोस्तों हम तुम सभी ये कहते थे ना कि बादाम दिमाग को तेज करता है, दिमाग के लिए बादाम बहुत अच्छे होते हैं, बादाम ही दिमाग को तेज करता है, है ना। मगर ये तो अब तो जब से इन रामदेव बाबा ने कहा कि भाई अखरोट ज्यादा तेज करता है दिमाग को बादाम से ज्यादा, तो इसके रेट बढ़ गए, है ना।
और तीसरी बात जो बहुत ही ज्यादा सभी के लिए फायदेमंद है, फायदे वाली दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो बिल्कुल जो मेरी एकदम एक बड़ी पर्सनल बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड समझ गए, जो बिल्कुल सच बोलती है, सच तो वैसा मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पता ही लग ही जाता है हमको झूठ या सच क्या बोल रहा है। बहुत अच्छी ऐसी फ्रेंड है वो कि वो बड़ी जो बात करती है थोड़ी पॉजिटिव और अच्छी, यानी कि मुझे सच्ची लगा, मुझे सच्ची है। उसने वो बता रही थी पिछले साल सर्दियों में जैसे चक्कर लगाते हैं ना पार्क में, वो बता रही थी दोस्तों ऐसी घुटनों के दर्द के बारे में बात आ रही थी, तो कई सारी लेडीज थी, वो कह रही दोस्त वो कह रही थी कि जब मेरे कह रही मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी मेरे घुटनों में दर्द होता है मैं अखरोट खाना शुरू कर देती हूँ, यानी कि 2-3 अखरोट सुबह को या तो रात को भिगो कर रख देती हूँ जब खाती हूँ सुबह को, या फिर सुबह चाय के साथ दूध के साथ, या मैं ऐसे ही चबा लेती हूँ 2-3 अखरोट, 1-2 छुआरे और 2-4 किशमिश और 1-2 अंजीर, उनको ये मैं ये चीजें खाती हूँ और मेरा घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। कहती मेरे सच में कह रही हूँ भाई, मुझे तो मैंने तो नहीं आजमाया अभी, ठीक है मैं वैसे ही बता दूं, क्योंकि हम तो अगर ऐसा होता है तो हम तो यही मतलब के बकरे के पाए वाए वगैरह ले आते हैं, उनसे तो पता यहाँ सभी को पता होगा, ये तो बहुत फेमस ही है बकरे के पाए जो होते हैं घुटनों के लिए, है ना। तो ये बात मेरी फ्रेंड बता रही थी, वो पंजाबी है, ठीक है। तो कह रही थी भाई मेरा तो आजमाया हुआ है, मुझे तो जब भी वो कह रही थी सभी आप आजमा के खा कर देखो, समझ गए, कह रही सभी खा कर देखो जब मुझे बताओ, कह रही कि घुटनों के दर्द के लिए ये रामबाण है, ये गोली है, ये कैल्शियम है, इसमें जाने क्या क्या चीजें, कोई ऐसा कहती कोई ऐसा इसमें मिनरल है जो हमारे घुटने में जो ग्रीस बनाता है, यो ग्रीस बनाता है कुछ, इसमें ऐसी चीज है जो हमारे घुटने में ग्रीस बनता है इसके खाने से। तो भाई मेरी फ्रेंड है वो अच्छी है, वो ऐसे बता रही थी, कह रही मेरा तो कह रही मेरा खुद का आजमाया है, जब भी कह रही मेरे घुटने में जब भी जरा सी भी चुभनी है जरा भी दर्द होता है तो मैं अखरोट खाना शुरू कर देती हूँ और मेरे घुटने का दर्द खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, और जब मैं छोड़ देती हूँ तो फिर क्या कह मैं कुछ दिनों के बाद, तो ऐसा तो दोस्तों है ही, कोई भी बात कर लो चाहे समझ लो कुछ भी है, चाहे दोस्तों अगर हम एक्सरसाइज करते रहे तो हम ठीक पतले रहेंगे और छोड़ दें तो हम फिर वही मोटे हो जाएंगे, तो हर चीज का ये तो है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सुना हुआ है, मेरा बिल्कुल वो है जैसे ये इनके बिल्कुल जो एकदम सच्चाई है, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड थी और बहुत ही फायदेमंद भी थी ये वाली जो मेरा एक्सपीरियंस था इन अखरोट के बारे में, जो भी एक्सपीरियंस था मेरा ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों तो फिर इसमें आपको कोई बात अगर अच्छी लगी हो आजमा के देखना दोस्तों आप भी, ठीक है, खाके ऐसे अखरोट खाके देखना, ठीक है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए, या फिर नॉनवेज भी खाते हैं दोस्तों और जब भी आपके घुटनों का अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा हो तो अखरोट भी खाके देख लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। वैसे अगर आपको ना अच्छे लगे तो आप चाय के साथ खा लो, किसी भी चीज के साथ खा लो सुबह सुबह, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये कैसा लगा आपको सबको, ठीक है, मुझे बता सकते हो, पॉजिटिव ही कमेंट करें, कोई नेगेटिव ना करें, फालतू ना करें, नॉलेज सबके किसी के पास थोड़ी किसी के पास ज्यादा होती है, हर इंसान अपने आप में समझदार होता है, ठीक है। ओके, मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने का आपका, और वीडियो को जिसने लाइक करा हो, शेयर करा हो और सब्सक्राइब करा हो मेरे चैनल को, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू सो मच है। ओके।